हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथ्स एनसीईआरटी अध्याय एक प्रश्नावली 1.1 का सेकंड सवाल दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो इस सवाल को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले सवाल समझना है, आपको दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ये होता है ना। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको 6q दिया है तीनों में कॉमन, यहाँ पर भी 6q है, यहाँ पर भी 6q है और यहाँ पर भी 6q है। तो देखिए, जो इसमें 6 है वह क्या है, भाजक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाजक बराबर से 6। वो जो Q है वह है भागफल। Q क्या होता है, भागफल होता है। तो हम यहाँ पर ले लिए भागफल बराबर Q। फिर हम लिखेंगे माना सवाल से धनात्मक विषम पूर्णांक, इसे हम भाज्य भी कह सकते हैं, बराबर से हम मान लेंगे A, तथा शेषफल यानी कि आर, शेषफल को हम आर मान लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यहां पर क्या हो जाएगा, भाज्य ए बराबर से भाजक 6 भागफल क्यू प्लस शेषफल आर हो जाएगा। हम इसे समीकरण एक नाम दे देंगे। अब देखिए, हमें आर का मान निकालना है। तो हमें यहाँ पर R का मान निकालना है। तो देखिए, जो R यानी शेषफल का जो मान होता है हमेशा भाजक के मान से छोटा होता है। यहाँ पर भाजक कितना है, यहाँ पर भाजक है 6, यानी कि जो R का मान है भाजक के मान से छोटा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में R बराबर से, R का मान 6 से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन हमेशा 6 से छोटा होगा। तो हम समीकरण एक में R का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखकर देखते हैं। सबसे पहले हम R का मान 0 रखते हैं। तो देखिएगा, A बराबर से आएगा 6q। R का मान 0 होता है तो हम लिखेंगे नहीं। इसके बाद हम 1 रखते हैं तो A बराबर से 6q का 6q प्लस R का मान हो जाएगा 1। इसके बाद हम R का मान 2 रखते हैं समीकरण एक में। तो देखिए, A बराबर से 6q प्लस R का मान कितना आएगा, 2। इसके बाद हम R का मान 3 रखेंगे तो A बराबर से क्या आएगा, 6q+3। फिर हम R का मान 4 रखते तो A बराबर से क्या आएगा, 6q+4। इसके बाद हम R का मान 5 रखते तो A बराबर से हो जाएगा 6q+5। तो क्रमशः आपके ये सारे मान आ गए हैं। अब आपको सवाल में कहा क्या जा रहा था, आपको बताना है कि यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से ये सारे होते हैं। तो देखिए, सम पूर्णांक यानी कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, और विषम पूर्णांक यानी जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो हम यहाँ पर बारी बारी से चेक कर देखते हैं। तो देखिए, यदि आप 6q में है ना, रफ में हम समझ लेते हैं, यदि आप 6q में 2 का भाग देंगे तो 6q में 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, संपूर्णांक होगा, है ना। यदि आप 6q+1 में 2 का भाग देंगे, इसमें तो 2 का भाग चला जाएगा लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। इसी प्रकार 6q+2 में यदि आप 2 का भाग देंगे तो दोनों पद में भाग चला जाएगा, यानी कि ये संपूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये क्या होगा, ये होगा संपूर्णांक होगा, ये विषम पूर्णांक होगा, ये भी संपूर्णांक होगा, ये विषम पूर्णांक होगा, ये संपूर्णांक होगा, और ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो हमें यहां पर दर्शाना यह था कि
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जो ये है विषम पूर्णांक जो है वे ये सारे है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। कौन कौन से इसमें विषम पूर्णांक? सबसे पहले है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। सिर्फ हमें बताना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये होती है, हमने सम पूर्णांक वाले को छोड़ दिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा।